गुड इवनिंग गाइस, डिनर की टेबल रेडी है और आज दिखाती हूँ आज मैंने क्या क्या बनाया है। तो फर्स्ट डोंगा ओपन करते हैं। सबसे पहले मैंने आलू और टमाटर की सब्जी यहाँ पर निकाल लिए डोंगे में, बहुत ही अमीर बनी थी, खट्टी और तीखी सी। धनिया पत्ती मैंने इसमें डाल दिया था। सेकंड डोंगे में मैंने रखा है यहाँ पर पत्ते वाली सब्जी। बहुत सारे पत्ते आते हैं ठंड में, तो सब सब्जियों में बहुत ही मज़ा होता है ना, बहुत स्वाद सब्जियाँ बनती हैं। मूली के पत्ते की बनाई थी मैंने आज पत्ते वाली सब्जी। ये रसगुल्ले निकाल लिए सर्व करने के लिए, कल बनाए थे मैंने। साथ में गर्मा गर्म पराठे मैंने कैसरोल में लगा लिए हैं। और ये कचुम्बर वाली सलाद बनाई है मैंने, प्याज टमाटर मूली नींबू का रस नमक धनिया पत्ती और हरी मिर्च के साथ मैंने इसको बनाया है। तो चलिए थाली में लगा लेते हैं अपना खाना। तो सबसे पहले मैं सर्व करूँगी यहाँ ये पत्ते वाली सब्ज़ी, और उसके साथ में मैं सर्व करूँगी एक रसीली सब्जी आलू और टमाटर की। आलू और टमाटर की सब्ज़ी अभी मैंने बताया तीखी सी बनाई थी मैंने, तो इसको भी मैं सर्व कर लूँगी। बहुत ही यम्मी लगती है आलू टमाटर की सब्ज़ी पराठे के साथ। इसको भी थाली में लगा लिया है। और उसके साथ मैंने ये कचुम्बर वाली सलाद सर्व की है, बहुत ही यम्मी बनती है ये सलाद भी। उसके साथ मैं ये तली वाली मिर्च सर्व करूँगी। तली वाली जो मिर्च होती है ना, बहुत ही टेस्टी होती है, स्पेशली पराठों के साथ बहुत अच्छी लगती है। हमारे घर में सबको बहुत पसंद आती है ये, तो मैं इसको भी थाली में लगा लूँगी और गर्मा गर्म पराठे सर्व करूँगी। अभी मैंने दो ही पराठे सर्व किए हैं यहाँ पर, जब और ज़रूरत के हिसाब से मैं गर्मा गर्म सर्व करती जाऊँगी। और उसके साथ में मैंने मीठे में सर्व किया ये दो गुलाब जामुन। तो ये है मेरी आज की डिनर वाली प्लेट। कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। और ऐसी और भी यमी थाली के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए मम्मीज़ किचन। बाय बाय।